हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, देखें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बात करेंगे मौजूद आज हमारे साथ एक्स एमएलए फैयाज अहमद, जो कि एक दो दिन पहले नागपुरा पुलिस स्टेशन ने इनको डिटेन किया था। डिटेन क्यों किया था? क्योंकि कुछ मैसेज वगैरह वायरल हुआ था। खैर वो बात थी कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ड्रग्स की मुहिम इन्होंने छेड़ रखी है। 2 साल आपने किया, फिर रुक गए, फिर अभी वापस आपने चालू कर दिया। इलेक्शन आ रहा है इसलिए आप ये कैंपेन कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 1985 और 84 के अंदर मैंने ब्राउन शो के खिलाफ तहरीक चलाया था। मैंने उस वक्त बहुत यंग था, मैं हार्डली 21 साल का था। मैं उस वक्त मैंने चलाया था। मैंने उस वक्त भी एक मेरे साथी की डेथ हो गई थी, प्रिंस नाम का, कॉलेज का साथ में तालिब इल्म था, उसको बॉम्बे सेंटर पर उसकी मौत हो गई थी ब्राउन शुगर की वजह से। तो जहन पे ज़्यादा मेरे काफ़ी उसके तासुरात थे, तो हम लोगों ने निकल के अपने तौर पर ब्राउन शुगर की पूरी सफाई की थी। तो 85 से लेके 86 हम लोग पूरा साफ कर दिया। तो ये आप कोई नई लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप पुरानी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी अभी कुछ 2 साल पहले 3 साल पहले की बात है। 14 और 15 के अंदर MD जब निकली नहीं नहीं, उस पर तो केस भी नहीं बन रहा था उस वक्त, और उसके अंदर मौतें हो रही थी और लड़के और बच्चे नशा इसके आदि हो रहे थे। तब मैंने MD के लिए 180 रन चाहा था यहाँ पर मैं, और पूरा मदनपुरे का हर नौजवान, हर गली का नौजवान मेरे साथ में था, और 180 रात जाकर हमने इसको यहाँ से ख़त्म किया, जिसमें आगरी पाड़ा, नागपाड़ा, भाईकला की तमाम चौकियों के अधिकारियों का समर्थन हमको हासिल था। जब कायदा आया तब हम रुक गए, जब तक का MD यहाँ से साफ हो चुका। अभी जस्ट ये हमारे यहाँ पर एक बच्ची का रेप हुआ, एक लड़के का मर्डर हुआ, 2 लड़कों का मर्डर हो गया, ड्रग्स की वजह से मर्डर हुआ। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था नरबड़े कब्रस्तान में, तो वहाँ पे जंगे जंगे पे देखा, हर मज़ारों के बाजू में जंगा जुबन पर होती, जहाँ बात के लोग बैठते हैं नमाज के लिए, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए, वहाँ चर्च गंजा चल रहा था। तो भाईकला चौकी में गया, मैंने उनको इंटीमेट किया, वो ताबड़तो मेरे साथ आए। उस दिन पहले नरबड़े कब्रस्तान साफ किया मैंने, और वहां से मैं लग गया कि अब मैं इस नशे को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा मैं। और इसके अंदर जो बच्चे मुलविस हैं, 14 साल के, 13 साल के, 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के, और जिस शख्स का बच्चा इन्वॉल्व है उसके दिल से पूछो आप। आज एक बच्चा नशा पूरा घर सर्वाइव करता है, उसके अंदर बच्चा तो परेशान करता है, गालियां बकता है, ऐसे से करते करते माँ बाप बताते हैं, शर्माते हैं कि अपनी औलाद के लिए क्या क्या बोलते हैं माँ बाप। और जिस घर का बच्चा है उस घर वालों से पूछो क्या बीतती है उनके ऊपर। तो उन बच्चों को रोकने के लिए, कौम के मुस्तबिल को बचने के लिए, समाज के मुस्तबिल बचाने के लिए और अपने देश की जनरेशन को बचाने के लिए मैं निकला हूँ मैं। और भाई निकला, मेरा सवाल आप नहीं सुने, फिर से आपको कहता हूँ, आपने बहुत लंबी बात कर दी है। फैयाज भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ, या जनता ये जानना चाहती है, आप जो मुहिम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये लेट नहीं हो गया? इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, आप इसके लिए कर रहे हैं? नहीं सर, ये तो बहुत पहले से कर रहा हूँ मैं, 85 में किया, 2014-15 में किया, अभी जस्ट ये शुरू हुआ है मामला, ये जब नशा मेरे आगा बहुत फैल चुका था। आपने अभी रिसेंटली कल सुबह की बात है कुछ 800 बोतल कोरिस की, इससे पहले मैंने MD पकड़ा मैंने, और परसों की रात में रात के 3 बजे भाईकला चौकी में गया मैं, और चौकी के अधिकारियों को ले जाकर मैंने नरबड़े कब्रिस्तान का ब्रिज है उसके ऊपर झोपड़े की मचान पर रखा हुआ था, जहाँ से 800 बोतल हमने कवर किया, रिकवर किया और चौकी में लेके हम लोग आए। तो हमारा तो काम ही यही है, रात भर जागना, पट्टी लगाना, इन्फॉर्मेशन हासिल करना, और जहाँ पता चलता है कि यहाँ ड्रग्स रखा हुआ है तो हम पुलिस के मदद लेके वहाँ जाते हैं और पकड़ लाते हैं उनको अपन, और जो लोग पीते हैं उनकी फैमिली को बुलाते हैं, बच्चे को बुलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और जैसे इलाज होने का है वैसे इलाज करवाते हैं उनको हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सीधी बात, नो बकवास, सवाल ये है, लोगों की अटकलें लगी हुई है, फैयाज अहमद क्या वापस से इलेक्शन लड़ने वाले हैं? इलेक्शन लड़ने वाले ठीक है, लोगों की अटकलें तो ठीक है लगी हुई है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या MM पार्टी से लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि आपकी जो फोटो वगैरह जो देखी जाती है, आप MLA वारिस पठान के साथ ज़्यादा दिख रहे हैं, फोटो में आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए मैं किसके साथ रहता हूँ, लोग मेरे ऑफिस में आते जाते हैं, महफिलों में लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, उसमें अरज की बात नहीं। इसका मतलब नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ मैं, और मेरी एक समाजी हैसियत है,
और मैं अपनी लिए टिकट मांगा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में मेरा इंटरव्यू हो चुका है और मुझको उम्मीद है कि टिकट मुझको मिल जाएगी और मिलिंद्र से मेरी बात हो चुकी है और इंशाल्लाह टिकट मुझको ही मिलेगी। मिलिंद्र तो अब मुंबई अध्यक्ष नहीं रहे, तो क्या हुआ भैया, यहाँ के एमपी हमारे थे, एमपी रहेंगे वो, और मिलिंद देवरा रहे ना रहे हमारे लिए एक ही समान इज्जत एहतराम उनका एक ही है ना मेरा भाई। आज मिलिंद देवरा से मेरी बात हो चुकी है, मिलिंद देवरा ही हमारे इलाके के क्षेत्र का मेन बंदा है। कांग्रेस पार्टी भाईकल्ला में दावेदार मजबूत है, क्या लगता है आपको टिकट मिलेगी? है मुझसे ज्यादा मजबूत कौन है यहाँ पर, यहाँ पर एक्टिव कौन है, चाहे वो एमडी का नशा हो चाहे प्रोग्राम हो, जितने भी कार्य मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, कोई पद पे नहीं होने के बहुत काम कर रहा हूँ मैं। खैर ये आने वाला वक्त बताएगा कि फयाज अहमद को टिकट मिलती है या नहीं, ये तो देखा जाएगा। ये तो फयाज अहमद हमारे साथ बात कर रहे थे, आमिर खान।